सो गुड आफ्टरनून ऑल द ऑल स्टूडेंट्स. आज हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर बाय स्टैटिकल मेथड यूजिंग बार्टन सेपरेटर्स. सो ये आपका फॉर्मूला यूज है. ईटा इज इक्वल टू 360 एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल वन माइनस एल टू एक लेंथ है जो अभी हम ऑपरेटर्स पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्चुअल में ये है क्या. आप मैनुअल में देख लीजिएगा ये है क्या. पाई स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू का स्क्वायर है. आर पावर फोर दैट मीन्स ये एक जो रेडियस है रेडियस का पावर फोर है जो हमें मेजर करनी है ऑफकोर्स. ओके एंड थीटा वन माइनस थीटा टू भी एक ऑपरेटर्स पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. एक टर्म यहाँ पे छूट गई है वो है कैपिटल डी. ये भी एक डायामीटर है सिलेंडर का. ओके सो डायामीटर और रेडियस ये हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल मींस वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को हैंडल करना हमें आना चाहिए. हमने लीस्ट काउंट आपको पहले ही सिखाई थी लेकिन हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल. तो अगर हम ये हमारा वन ईयर कैलिपर्स है इसकी हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहें सो ये हमारा मेन स्केल है. तो हम देखें कि इस पे एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है. ऑफ कोर्स ये 1 सेंटीमीटर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है. सो 10 डिवीज़न ये स्मॉल डिवीज़न है, 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो 1 डिवीज़न इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. That is the value of smallest division on main scale. Here is this one is the main scale. And ये आपको जो marking दिख रही है ये वर्नियर स्केल है वर्नियर कैलिपर्स का. इसमें 10 डिवीज़न है 1, 2, 3, 4 अप टू 10. सो टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल या वर्नियर स्केल कितने हैं, वो 10 हुए. सो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी इसकी, लिस्ट काउंट हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. सो 0.01 सेंटीमीटर ये लिस्ट काउंट हो गई किसकी, वन ईयर कैलिपर की. अगेन अगर हम स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट डिस्कस करें सो स्क्रू गेज का ये हमारा क्या है, ये है मेन स्केल. अब अगर आप वहीं रखिए मैं इसको ऊपर नीचे कर लें सब चीज़. सो ये हमारा मेन स्केल है. ओके सो मेन स्केल ये कितना जो है मार्क है 5. सो ये 5 मिलीमीटर है, ये 5 मिलीमीटर है. सो ये 5 मिलीमीटर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो 5 मिलीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है. सो 10 डिवीज़न इक्वल टू 5 mm. सो 1 डिवीज़न कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स 0.5 mm. सो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.5 स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल. ओके 0.5 और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न यहाँ हम वन ईयर स्केल है, ये हम देख सकते हैं कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, 50 ये देखिए ये 45 अगेन ये 0 दैट मीन्स 50 है हमारे पास. तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन 100 एंड इस कम्स आउट 0.01 mm. सो ये हमारी लीस्ट काउंट हो गई किसकी, स्क्रू गेज की. ओके अब इन दोनों से हमें जो है अगर आप टेबल देखें तो आपको चाहिए होगा वायर की डायमीटर जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसकी रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, और जो सिलेंड्रिकल जो डायमीटर है उसकी डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए सिलेंडर का वो हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे. सो इनकी लीस्ट काउंट ऑफ एटलीस्ट जो है इस वक्त जो है कैलकुलेट करना सीख लीजिए ताकि आगे इसका जो है
इससे फिर जो है हम इसका निकाल के मेजरमेंट कर पाएँ, है ना। तो अब हमारे पास जो अपरेटस है उसकी जो वर्किंग है वो हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं।